लोकसभा चुनाव 2024 में कुछ महीने ही बचे हैं। इसी बीच खबर है कि एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी यात्रा पर निकलने वाले हैं। सूत्रों की माने तो भारत जोड़ो यात्रा 2.0 की शुरुआत गुजरात के पोरबंदर से हो सकती है, वहीं त्रिपुरा के अगरतला में ये यात्रा समाप्त होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा के 15 अगस्त या 2 अक्टूबर से शुरू होने की संभावना है। इस बार भारत जोड़ो यात्रा की कमान खुद राहुल गांधी संभालेंगे। यात्रा की शुरुआत करने के लिए 15 अगस्त और 2 अक्टूबर की तिथियों पर विचार किया जा रहा है। दोनों ही तारीखों के खास प्रतीकात्मक संदेश हैं। एक दिन देश का स्वतंत्रता दिवस है तो दूसरा दिन राष्ट्रपति महात्मा गांधी की जन्मतिथि। लेकिन यात्रा का रूट 3000 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा है। वहीं दिसंबर के पहले सप्ताह तक रूट में कवर होने वाले 3 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। ऐसे में भूपेश बघेल, दिग्विजय सिंह, अशोक गहलोत, सचिन पायलट जैसे सभी बड़े नेता चुनाव में व्यस्त होंगे, इसलिए संभावना जताई जा रही है कि यात्रा 2 अक्टूबर से पहले ही शुरू हो जाए। इंडिया वाले भी होंगे शामिल। भारत जोड़ो यात्रा के पहले संस्करण में यूपीए गठबंधन में शामिल दलों के कई नेता शामिल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा 2.0 में भी विपक्षी दलों के नेताओं के शामिल होने की संभावना है। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मात देने के लिए हाल ही में कांग्रेस की अगुवाई में 26 दलों का गठबंधन बना है। विपक्षी पार्टियों के इस गठबंधन को इंडिया नाम दिया गया है। माना जा रहा है कि इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के बड़े नेता यात्रा के दौरान राहुल गांधी के साथ नजर आ सकते हैं। इस बार भी भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से होकर गुजरेगी। राजस्थान के चुनावी माहौल को देखते हुए राहुल गांधी आदिवासी वोटर्स पर अपना फोकस रखेंगे। यात्रा का रूट दक्षिणी जिलों से निकलने की तैयारी चल रही है। उनका यह दौरा राजस्थान की 10 लोकसभा और 60 के करीब विधानसभा क्षेत्रों पर फोकस करते हुए फाइनल किया जाएगा। राजस्थान में यात्रा कम से कम 3 से 4 जिलों के करीब 300 किलोमीटर का एरिया कवर करेगी। पोरबंदर से क्यों शुरू होगी यात्रा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से अपनी यात्रा शुरू करने से पहले 5 सितंबर को अहमदाबाद में महात्मा गांधी स्मारक पर प्रार्थना की थी। क्योंकि गुजरात महात्मा गांधी की भूमि है, इसलिए यात्रा पोरबंदर से शुरू की जाएगी। इसके साथ ही इसका एक कारण ये भी है कि गुजरात में पिछले 3 दशक से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है।